यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सबसे पहले रामलला व हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया और रामलला के दर्शन के दरमियान राम मंदिर प्रगति का जायजा लिया। फिर उसके बाद आयुक्त सभागार में अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का सर्वाधिक फोकस अन्य विकास कार्यों से ज्यादा श्री राम जन्मभूमि को जाने वाले राम पथ, भक्त पथ और जन्मभूमि पथ पर था। उन्होंने इन पथों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश अफसरों को दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ GIC मैदान में प्रबुद्ध जन सभा मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात भी दी। करीब 1056 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री किसान निधि लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को चेक भी दिया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सप्तपुरी में से एक पुरी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या को दुनिया की सर्वोत्तम नगरी बनाना है। अयोध्या में केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार की 30,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। यहां आध्यात्मिक नगरी बनने के साथ ही भौतिक साधनाओं का भी उपलब्धता भौतिक साधनों की भी उपलब्धता होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन उनकी अयोध्या के प्रति अपार श्रद्धा और निष्ठा है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है। आज पूरी अयोध्या LED लाइट से जगमगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण में जो व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं, हम उनका पुनर्वास भी करेंगे। अयोध्या से जुड़ने वाले सभी मार्गों को 4 लेन व 6 लेन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या को 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्ध जनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं, विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई है। एक नए अयोध्या के रूप में स्थापित करने, जनता की बुनियादी सुविधाओं का आगे बढ़ाने, और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित्य नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा अयोध्या की सेवा में है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन
चाहिए और कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए। दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या के प्रति उनकी सदा निष्ठा को प्रदर्शित करता है, जो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किए गए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई, याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से, यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने की अभ्यस्त थी इसलिए बिजली नहीं देती थी और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। सिटी मिशन के बारे में, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कों बनाने का कार्य, लटकते हुए झूलते हुए तारों से निजात दिलाने के लिए आईपी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है और साथ साथ सेफ सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है, स्मार्ट रोड का निर्माण हो रहा है, अच्छे बस स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, मंडी का निर्माण हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं, एयरप्लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है। हो सकता है कि मार्ग निर्माण के समय कुछ व्यापारियों को हटना पड़े, लेकिन मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, हर व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे और उसको कंपनसेशन भी दिलाएंगे, कोई उनके साथ शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाइयों बहनों, जो एक पुनर्वास का कार्य होगा, हो सकता है 1 महीना 2 महीना 4 महीना लगेगा,